रेट ऑफ द एक्सिक्यूटिव होते जवाहरलाल नेहरू था हुगली हुगली का यूज है बेस्ट प्राइस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई पुर्तगीज को यूज करते मोदी स्क्रिप्ट मराठा में यूज करते हैं एग्जामिन द फॉलोइंग 1, 2, 3 यहाँ होगा 4 यहाँ होगा जो ये में क्या है सिंधिया होलकर सिंधिया होलकर गायकवाड़ यहाँ पे भोसले यहाँ पे ठीक है। अगला देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड बैटल ऑफ वेंडी वाज फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ल्ड आदिवासी वाज फर्स्ट टाइम यूज बाय किसका ठक्कर बापा जो कि आदिवासी के मसीहा बने थे ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये देखो 73-83-58-53 ठीक है 73-83-58-53 73-83-58-53 इसमें क्या हो गया तुमको 73-83-58-53 73-83-58-53 तिहत्तर का ये हो गया 83 का ये हो गया 58 का ये हो गया 53 का ये हो गया ठीक है। अभी देखो प्रिंसिपल फोर्ट वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म ही रिलाइड अपॉन लेजिस्लेशन टू डू अवे विद सोशल रिलीजियस वर्क इंक्रीजिंग फॉर द इरिडिकेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एंड द पर्दा सिस्टम टू इंकरेज कंसिडरेशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल स्केल ही इनॉग्रेटेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस व्हिच फॉर मेनी ईयर्स मेट फॉर एनुअल सेशन अलोंग साइड द एनुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस रेफरेंस इन द पैसेज किसे महादेव गोविंद रानाडे के लिए ठीक है। मार्बल द सेंचुरी वंडर ऑफ द वर्ल्ड लिविंग फोटोग्राफी पिक्चर इन लाइफ साइज प्रोडक्शन बाई मसर लुमेर ब्रुथेल सिनेमेटोग्राफी एफिक्स वाल्सर वॉट टू नाइट ठीक है। एपेन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 7 अगस्त 1796 को ठीक है। देखो वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्टी क्वायर्स ऑफ इंडिया प्रिंसिपल्स विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरी डुप्लेक्स ने बोला था ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इन नेगोशिएशन सबसे पहले कौन आया सबसे पहले आया तो हिंदू कॉलेज फिर है एडम रिपोर्ट फिर है वुड डिस्पैच फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ये हो गया ठीक है ये हो गया। अब इसको क्या है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोवल रिटन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दुर्गेश नंदिनी हो गया ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेसर ऑफ ठग्स कैप्टन स्लीमन हो गया ठीक है। अब देखो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वुड डिस्पैच नहीं सबसे पहले मकाउली मिनट फिर वुड्स डिस्पैच फिर इंडियन एजुकेशन है हंटर कमीशन को बोलते फिर मकाउली सर्जेंट एजुकेशन फिर सुनो मकाउली मिनट वुड्स डिस्पैच फिर एजुकेशन हंटर कमीशन फिर सर्जेंट एजुकेशन ठीक है। देख लो मोपला रिवोल्ट केरला के लिए है पापना रिवोल्ट बंगाल के लिए है एकता एक्का रिवोल्ट किसके लिए है अवध के लिए बिरसा मुंडा रिवोल्ट क्या बिहार के लिए ठीक है। एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया क्या रिमेन लिटरेट टू द रिवोल्ट द पेंटिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर क्लासिफाइड रिहैबिलिटेड है there was no development in independent development of the industries in india during british rule because kyun absence of heavy industry tha theek hai first feature film talkie kyun kisne wo kaun sa tha alam aa raha tha theek hai dekho brother who followed spirited of, forward policy towards afghani ko the leader the theek hai at the time when empire in europe was crumbling before the might of napoleon which one of the following governor general captain in british flag high hai kaun tha matlab napoleon ka samkach kaun tha ye hastings which one of the following is not correct नील दर्पण वॉज बेस्ट ऑन एक्सप्लेटेशन इंडिगो फार्मेस सही है ऑथर ऑफ द प्ले आश्रम कोतवाल के विजय धनकर है प्ले नवन बाई नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ट ऑन फेवरेट बंगाली ये गलत है उर्दू थिएटर यूज टू हैवली डिपेंड ऑन पारसी थिएटर पर था ये भी सही बात है ठीक है। अगला देखो बुक्स है ऑथर है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कौन था सावरकर था ठीक है। आनंद मठ मतलब का बाकी चंद्र पांड्या है लाइव वीडियो है लाइव वीडियो मतलब का श्री अरविंदो साधना मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है। अभी देखो कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स 2431 टू मतलब संथाली बोसन म्यूटी ऑफ सिपॉज इंडिगो रिवोल्ट डक्कन रिवोल्ट राइट ठीक है। देखो 75 में क्या है तुमको फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो गया दूसरा 1780 सेकेंड एंग्लो मराठा वार ये C1 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1838 में क्या है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हो गया ये हो गया ठीक है। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टू प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी टाइम हुआ था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट करेक्ट ही देख लो तो गोवा एंड फुल स्टेट 1986 में सही बात है दीज एंड आईलैंड ऑफ द गल्फ ऑफ कबद भी सही बात है डबन एंड ट्यूबर से प्रेरित फ्रॉम गोवा बाय द 56 बर्बेड ऑफ कोस्टल ऑफ इंडिया भी सही बात है। दादर नगर वाली फ्रेंच कॉलोनी में था गलत है पुर्तगीज के अंदर होगा ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टेब्लिश एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइफ टीपू सुल्तान हो गया ठीक है। व्हिच इज द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड ये नहीं है मतलब क्या फर्स्ट टेक्नो के निशासी के नानी फर्स्ट 3D डियर कुत्ती कम माई फर्स्ट इंस्टीट्यूट फिल्म ताल ठीक है। अभी फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन द बैट हो गया ठीक है। अगला देखो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1933 जमींदार वेयर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा टू द फार्मर्स व्हिच वर नॉट इशूड बाय द जमींदार द रीजन क्या है इसका कोई ऑफिशियल चेक नहीं था जमींदार पर ठीक मतलब बाकी से था जमींदार ही हो गया ठीक है। आर्य समाज 1835 में स्टेबलाइज हुआ गलत है ये लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटीज ऑफ वेदार इन सपोर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म ये गलत है। अंडर केशव चंद्र सेन
ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर द वुमेन एजुकेशन, सही है ये। वीरूभाई भाई फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजी, ये भी सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन टू इंग्लिश, चार्ल्स विल्की हो गए, ठीक है। हुच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिट के 1975 पिटीशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्टर पिटीशन इन ब्रिटेन, कौन सा पुरुष सार्वजनिक सभा, ठीक है। विथ हुच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द फर्स्ट डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इंटू कॉन्टेक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ दिवानी इन ईयर 1975, खासी था, ठीक है। एक्ट ऑफ द कॉलोनी गवर्नमेंट विथ प्रोविजेंट, देखो 1813 ये क्या हो गया, 1813 क्या हो गया, तो वो कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज इंटर, सही बात है। रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या, कंपनी डायरेक्टर हु आर आस्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंट एंड डॉक्यूमेंट्स पर्टेन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, भी सही बात है। 1858 ये तो वो क्या है, तो तीसरा देखो द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश इंडिया, भी सही बात है, ठीक है। चौथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये क्या, तुमको सेटअप बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, सही बात है ये, ठीक है। अगला देखो, अगला 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 क्या है, तुमको ये ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन की वाइसराय अथॉरिटी ओवर इट्स एग्जीक्यूटिव वाइसराय पोर्टफोलियो को डिपार्टमेंटल सिस्टम सिस्टम वो कर दिया कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए। इंडियन वाज सिलेक्ट 1861 ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द हिटली कंडीशन, रिपोर्ट एन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन, तो लेबर से रिलेटेड हिटली कमीशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द इंटर यूरोपियन पावर इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पुर्तगाली कैप्चर्ड गोवा इन 1492, ये गलत है, मतलब सही है क्या, देख लो। इंग्लिश ने ओपन की फर्स्ट फैक्ट्री साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ईस्ट इंडिया मिशन का पहला कंपनी का था उड़ीसा में, अंडर लीडरशिप डुप्लेक्स द फ्रेंच को ऑक्यूपाइड मद्रास 1757 में, सही है, ठीक है। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग द डच एस्टेब्लिश की फर्स्ट अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ, पुलिकट में, ठीक है, ये हो गया। दी एम ऑफ द एम ऑफ द एजुकेशन स्टेट ऑफ उठ डिस्पैच 1851, इसमें क्या था, उठ डिस्पैच क्या था, ये इंट्रोडक्शन साइंटिफिक रिसर्च एंड सिस्टम, ठीक है, नॉट करेक्ट। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ये गलत है, सही क्या है। महाराणा रणजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनोस इन लाहौर, गलत है, सही है ये। महाराजा जैसे वो अमेर हैज यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इन ट्रांसलेट करी थी, भी सही है। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन दिस ग्रेट, ये भी सही है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेड इन, मतलब हुआ क्या, ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन यू अबोलिश, ठीक है। डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, ओके। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू कंफर्म इन काउंसिल, ये भी सही है, ठीक है। ऑल इंडियंस वॉज अपॉइंटेड लॉ मेंबर इक्वल, ठीक है। अभी देखो कुछ अमंग द फॉलोइंग रूल इन इंडिया, वट वॉज शॉट बाई द इलबर्ट विन एटीन टू ब्रिंग इंडियन यूपीएस एट पार, ये गलत है। 1883 में हुआ क्या था, मेन 1883 की इसमें लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाई इंडियंस, इंडियंस ने कौन सा मैनेज किया, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। अभी देख लो इसमें कौन सा करेक्ट है, ये गलत है, सही क्या, 90 से 92 थर्ड मैसूर वार 1484 से 86 फर्स्ट एंग्लो बर्मिजर, हुई जो दी फॉरन पेयर से नॉट कटली बैंक, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल हॉजी में, और इल्बर्ट इंडिया रिपन, ये सब सही है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया वारन हेस्टिंग्स ये गलत है। कंसीडर दी फॉलोइंग वाइस राय 1345, ठीक है। वन क्या, कर्जन है, हार्डिंग है, चेम्सफोर्ड है, इटवेन है, ठीक है। कंसीडर दी फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल 3-2-1, सतारा, संबलपुर, झांसी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद सिंह अब्दाली डिफीटेड अब्राहम लोदी, ये गलत है, ठीक है। तो इब्राहिम टिपू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड, ये गलत है। मीर जाफर इंटर किया, मतलब टिपू सुल्तान तो चौथा ही मरा है ना, ठीक है। मीर जाफर इंटर किया कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश विद द डिफीट ऑफ दिस इन द बैटल ऑफ पलासी, ये सही बात है, ठीक है। अब देखो हुज वन इज द फॉलोइंग डिड कुंवर सिंह ने प्रोमिनेंट लीडर कहाँ से था, बिहार से था, बिहार में कौन सा था, जगदीशपुर से, ठीक है। अगला देखो, अगला का हुज वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवॉल्ट 1857, चित्तौर, चित्तौर अफेक्टेड नहीं था, बाकी झांसी जैसे सुलभ हुई फैक्टर था, ठीक है। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथून स्कूल एट कलकत्ता विद द मीन ऑफ इंकरेज वुमेन फॉर एजुकेशन फॉर वुमेन, सही बात है। बाकी जैसे जैसे रॉबर्ट एवर फर्स्ट ग्रेजुएट है कलकत्ता में, ये भी सही बात है। केशव चंद्र सेन का पहला कैंपेन का था सती के खिलाफ का, लेट टू द इनएक्टमेंट ऑफ द लॉ टू बैन सती बाई द गवर्नर जनरल, ये गलत है, ठीक है। हुज वन ऑफ द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर पेस एक्ट, लॉर्ड रिपन हो गया, ठीक है। अभी देखो कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, द डच डिफीट किया पुर्तगीज को और बिल्ड किया फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये सही बात है, ठीक है। बाकी गलत है ये और ये भाई सर कर से वारन हेस्टिंग्स का पहला गवर्नर जनरल जो कि स्टेबलाइज किया रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया एंड ब्रिटिश में, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया कलकत्ता में बाय द रेगुलर, ये सही है। इंडियन पेनल कोड कमिटी फैक्ट इन 1800, सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी, बैटल ऑफ अंबर कहाँ हुआ था, बैटल ऑफ पलासी हुआ था पहले अंबर,
फिर पलासी, फिर मंडीवास, फिर बक्सर, ठीक है। हुआ मग दी फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट, एनी बसंत, ठीक है। अभी देखो 58, 58.2, ठीक है। अभी देखो चार्टर एक्ट था जो एब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडिया, गलत है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट एब्लिश किया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, सही बात है। अब ये होगा हुज वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट वाज मेड फेमस फॉर बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज बुक आनंद मठ, ठीक है। सन्यासी रिवीलिंग हो गया, ठीक है। आनंद मठ का सन्यासी रिवीलिंग का, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द रिवॉल्ट ऑफ द ईयर हुज ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड फ्रेंड कैप्चर एंड पुट, तात्या टोपे का ताता था उसको फ्रेंड नहीं किया, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिविल वॉर, लॉर्ड कैनिंग था। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज पेपर सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्या ही सोम है, ठीक है। अब देखो द रूलर ऑफ द हुज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ब्रिटिश और द प्रोटेक्ट ऑफ हिज गवर्नर, अवध हो गया, ठीक है। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रेस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड लोकलाइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक अननेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम, लॉर्ड रिपब्लिक, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वेयर द लास्ट टू कम टू इंडिपेंड, लास्ट ऑफ द फ्रेंच आया, पीडी में बीएफ याद है, वही है। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल, गलत है। सिलियम मेंटी का फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, सही बात है। ये हुज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोकॉन्स्ट्रक्टर बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया, ठीक है। मतलब ब्रिटिश ने बनाया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक भूमि वाह, भूमि वाह का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी देखो बंकिम चंद्र, इसका आंसर ये हो गया 231, 231 मतलब बंकिम चंद्र चौधरानी, दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण, प्रेमचंद्र, सदर देख रहा है, ठीक है। 231 यही था ये, ठीक है। अगला देखो, अगला मैं तुमको क्या है ये ड्रविड है और एलिस डफ, जो कि हुई फॉर हिंदू कॉलेज ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन है, ठीक है। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर, सही बात है। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस जो इन इंडिया वाज सेटअप इन काटला, ये भी गलत बात है, ये भी सही है। हुआ मग दी फॉलोइंग गवर्नर जनरल की लीडर दी कॉमिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया हुज लेटर केम टू इंडियन सर्विस कौन वाली से बाय रेगुलेशन 1993 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन वाज डिप्राइड ऑफ हिज जुडिशियल पावर एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली, सही बात है। व्हाट वाज द रीजन, क्यों कर रहा था, क्योंकि अलार्म हो गया था, पावर बहुत ज्यादा उसके पास हो रही और फील्ड एक्सलूट पावर अनडिजायरेबल एक आदमी, ठीक है। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अमर शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ही वांटेड टू अवेयर द एक्सपोज मराठा ऑफ हिज वायसराय टीमुर शाह फ्रॉम लाहौर, से भगा दिया मराठा, इसलिए विथ रिफरेंस टू पॉडिचेरी आउटसाइड द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पॉडिचेरी, कौन था, पुर्तगीज था, ठीक है। अभी देखो सेकेंड सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पॉडिचेरी फ्रेंच था, और ये लास्ट था इंग्लिश नेवर पॉडिचेरी, ये तो गलत है, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। फर्स्ट पॉडिचेरी का पुर्तगीज था, ठीक है। ये भी देखा टेंडेंसी ऑफ द इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस रीजन फॉर दिस नॉर्मली ट्रेस टू हुई ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, ठीक है। कोई भी नहीं, लेकिन जमीदार पैसे स्टॉकर भाई, ये भी गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरलोड भाई, ये भी गलत है। ब्रिटिश रूमर की, ये भी गलत है। हुई ऑफ द फॉलोइंग, हुई ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ए कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसुरेक्शन इन इंडिया इन द 19th century, द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया होम चार्जेस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, हुई ऑन द फॉलोइंग फंड कंस्टिट्यूट होम चार्जेस, इसमें कोकोस होगा होम चार्जेस का फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, ये हो गया। फंड यूज टू पे सैलरी पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल, ये भी सही है। फंड यूज फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, ये भी सही है, ठीक है। अभी देखो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सर विलियम वेडरमैन एंड डब्ल्यू स्कैन हैड सेट अप इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या एजिटेट करते हैं इंडियन पोलिटिकल रिफॉर्म्स को हाउस ऑफ कॉमन में। विथ रेफरेंस टू द रिवर्स बाय सेल्फ कंसिडर द फॉलोइंग रेंट वाज पेड डायरेक्टली फॉर द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट, सही बात है। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रिवर्स, सही बात है। लैंड वेयर सर्वेड एंड एक्सेस बिफोर बींग टैक्स, ये भी सही बात है, ठीक है। हुज अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज, ये अपोज के अडल्ट्री को, सही बात है। डिनाइड द नीड ऑफ प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस, ये भी गलत है। पॉपुलराइज के रेफरेंस इनफॉलिबल, ये सही है, मतलब ये गलत है। पॉपुलराइज ये गलत है, ब्रह्म समाज ने वेदा को भी वो नहीं कहा, ठीक है। अभी देखो असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी फॉर यूज ऑफ मोबाइल कैन ऑफ सीवर हुज इज फॉर इंटरप्रेट फॉर इंडिया, इसका आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब तीनों कोई नहीं था, अच्छा तीनों कोई नहीं, ओके। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं कहा, तंबाकू भी नहीं लाया था, बस पुर्तगीज लिख गया है, लैंड रेवेन्यू भी नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखो अब
इलबर्ट विलबर्ट भी क्या है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मिलिट्री ट्रायल यूरोपियन पीपल, यूरोपियन पीपल को ट्रायल करने से पहले रोकने से रेड क्लिफ कमिटी डिलीमिट करता बाउंड्रीज को बिटवीन इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल मिल बाई लॉर्ड तो नेटिव अंटिल कब हुआ, जब किंग जॉर्ज फाइव ने एब्रोगेट किया कर्जन एक्ट को रॉयल दरबार इन इंडिया इन 1911 में, ठीक है। व्हाट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, टू डिस्क्लेम एनी टेस टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ये नहीं होगा। प्लेस करना एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही है, मतलब डिस्क्लेम एनी टेस टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ये गलत है। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी ये सही है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो, ए कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनी आर्स, क्या होते हैं, म्यूजिकल ट्रेडिशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। गदर, गदर क्या रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि हेडक्वार्टर है मॉस्को में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फ्यूचर फॉलोइंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम 2 एंड 3, इमरजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल पोजीशन ऑफ लैंड, क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैसा रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल लॉर्ड ऑफ स्कैबर लॉर्ड, बता रही फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। 1 2 3, मतलब दादा बनर्जी, सुब्रमण्यम मरिय और आरसी, तीनों थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1980 का, जुडिशियल सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, ठीक है। 37 शोधक समाज, ये क्या था, एंटी कास्ट मूवमेंट था, मतलब महाराष्ट्र में मल्टी कल्चरल स्पोर्ट बॉडी, क्या था, कल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड था, किस चंदन किससे रिलेटेड था, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, नहीं होगा। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्कशन सही होगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी सही होगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मोटर्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सही बात है। प्लान ऑफ सन स्टेफन क्रिप्स इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेट, सही बात है, ठीक है। कल्चर स्टेप इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, त्यागराज ने सेवरल अत्याचार और त्यागराज कंटेम्प्रेरी, सही गलत है। आचार्य प्रेज ऑफ लॉन्ग मेट्री, सही बात है। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृत आर्टिपोस्टल सॉन्ग प्रेज ऑफ, ये सही है, ये गलत है, सिर्फ ये है सही है और ये है। द स्टेपल कम्युनिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द मिडल ऑफ 1860 का था, कॉटन साल सिल्क साल्ट पीटर ओपीएम, ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है तुमको 99 99 का तुमको, हुज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट अप्लाई टू सिस्टम ऑफ सब्सिडी लाइन इंडस्ट्री में लोड वेल्स, ठीक है। सिक्योर फिक्स्ड इनकम कंपनी के लिए इकोनॉमिक वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 19th सेंचुरी का था, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हुज अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लियर, दीनबंधु मित्रा ने निधरपा स्टार्ट किया, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन एजुकेशन सिचुएशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, हुज द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिचुएशन फाउंडर था, ये सेकेंड कलकत्ता बदल सकता था, वायरस हेस्टिंग्स करते थे, उस डिस्पैच हुज द फॉरेस्ट रिवर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रैंड रिजल्ट सिस्टम, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर रिकमेंडेड, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम, ये गलत है, बाकी दो सही है, ठीक है। हुज द फॉलोइंग डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये 1 2 3, 1813 23, और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है, ये हो गया। हुज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा, एस्टेब्लिश 1940, अशोक मेहता, टी एस रामानुजन, जी जी मेहता, ठीक है। हुज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर एलोबरेटेड डिस्कस अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स कंट्री इंडिया, जॉन बैप्टिस्ट, ये बैप्टिस्ट वाले लोग सिर्फ इंडिया की संपत्ति पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगला देखो, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फाउंड फॉर्म किया गया स्टेट ऑफ इन इंडिया में, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट, अब ऑर्डर देखो, इंडिया कैरियर नेशनलाइज बिकम द नेशनल कैरियर, सही बात है। इंडिया का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही बात है। मतलब ऑर्डर देखो, इंडिया नेशनलाइज, फिर स्टेट बैंक बनाया, फिर फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया, हुज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बी करेक्ट, मेजर रिव ऑफ लैंड रिपोर्ट का प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंड, सही, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1830, इंडियन का ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एसेट फॉर ट्रेड, मतलब 1800 में क्या है, इंडिया ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी में एसेट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, एसर्ट्स द सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द ब्रिटिश टेरिटरी और रेड बाय द कंपनी, भी सही बात है। रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वेयर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी 110 में क्या है आंसर, 1 2 3 1 2 3, मतलब ये हो गया। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, ऑल इंडिया किसान स्वामी साधन सरस्वती, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी नया रामास्वामी नहीं कर, ये होगा, ठीक है। अगला देखो, इंडियो कल्टिवेशन इंडिया डिक्लाइन विद बिगिनिंग प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ द पिजन रेजिस्टेंट टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर, सही बात है ये, ठीक है। वेल्सली स्टेबलाइज के फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज यू वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया के लिए, सही बात है, ठीक है। हुज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रूल, ये हो गया इसका, ठीक है। विट्टल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबिलिटी पीपल एट टारगेट ऑफ, कौन था, गोपाल बापा वालंकर, हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। बाकी इसको खत्म करो भैया।